कांपते हाथों से जिस बेटे की तस्वीर को ये बूढ़ा बाप डिब्बे में ढूंढ रहा है, उस बेटे ने देश की रक्षा में अपनी जान न्योछावर कर दी है और कुछ ही घंटों में उसका पार्थिव शरीर भी घर पहुंचने वाला है। घर में मातम का माहौल है, गांव में सन्नाटा पसरा है, लेकिन बावजूद इसके गांव का बच्चा बच्चा सतपाल की शहादत पर गर्व महसूस कर रहा है और उनकी बहादुरी को कुछ इस तरह से सैल्यूट कर रहा है। सर, छोटे भाई ने देश के लिए साथ दे दी है, सबसे पहले हम उनको एक सैल्यूट देंगे। जय हिंद। रोहतक के बोहर गांव का रहने वाला सीआरपीएफ जवान सतपाल 2012 में भर्ती हुआ था। उनके दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं। बड़ा भाई ललित भी सीआरपीएफ जवान है। बीते दिन छत्तीसगढ़ से सतपाल और उनकी बटालियन गश्त पर निकली थी, जिसे सतपाल खुद लीड कर रहे थे, लेकिन इसी बीच माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर एलईडी पर सतपाल का पैर पड़ गया और फिर ऐसा धमाका हुआ कि रोहतक का बहादुर लाल वीर गति को प्राप्त हो गया। सर, छोटे भाई ने देश के लिए साथ दे दी है, सबसे पहले हम उनको एक सैल्यूट देंगे। जय हिंद। और हमें गर्व है कि हमारे भाई जो इतने बड़े परिवार से, इतने बड़े गांव से निकलकर एक देश सेवा के लिए निकले और उन्होंने अपनी साथ दे दी है, हम इस बात पर बहुत गर्व करते हैं। तो आप खुद सीआरपीएफ में हैं, किस तरह की माहौल में ड्यूटी देनी पड़ती है? जैसे वहाँ पर आईईडी ब्लास्ट होने की वजह से शहादत मिली, तो किस तरह का माहौल है वहाँ पर? सर जी, वहाँ का माहौल तो ऐसा है, अगर एक कदम भी रख रहे हैं ना तो भी डर लगता है, पता नहीं इस कदम के नीचे क्या होगा। जब कैंप से बाहर निकलते हैं ना तो रूमा खड़ा हो जाता है। जब ऑप्स के लिए निकलते हैं या एरिया सर्चिंग के लिए निकलते हैं, पूरी टीम निकलती है और उस टीम में सबसे मेन काम होता है गाइड का, जो कि मेरे भाई थे, वो गाइड का काम कर रहे थे, सबसे फ्रंट में चलते थे। तो जैसे ही वे फ्रंट में चल रहे थे, आईडी को पुश कर उसका पैर आ गया, जब ये ब्लास्ट हुई। दरअसल बीते दिनों छत्तीसगढ़ में जवानों ने ऑपरेशन मानसून चलाकर नक्सलियों को पीछे धकेल दिया था, जिसके बाद से नक्सली हमले बंद हो गए थे, लेकिन बीते दिन नक्सलियों ने एक बार फिर से धोखे से एलईडी ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया। सतपाल के शहादत को लेकर गांव में माहौल पूरी तरह से गमगीन है। लोगों की निगाहें रास्तों पर हैं, जहां से शाम तक शहीद सतपाल के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। 15 दिन गया होगा, देख लो कब किसने गया था, 15-16-17 दिन गया था एलईडी का कन्फर्म थे, एक आदन की पैनी सब। अब कब आना था दोबारा? अभी दो पहली 2 तारीख ना आना था, उसने पोस्टिंग दिल्ली से हो गई थी। दिल्ली हो गई थी, वहाँ कितने दिन काम किया? 4 साल काटने पड़े छत्तीसगढ़ से, भी यहाँ पर भेज दें जी, 4 साल हो गए थे उसने। अभी आना था 2 तारीख? अभी आना 2 तारीख, पहली दिन आना था उसने। ट्रांसफर? हाँ, ट्रांसफर। फ़ोन पे बात हुई थी आप? फ़ोन पर 3rd-4th दिन, मेरे 2 दिन हो गए थे, बच्चे की बात हो गई थी। पूरे 4 साल कर लिया था? हाँ, 4 साल पूरे हो गए थे, अब भेजने थे, पहली तारीख से भेजने शुरू कर रखे थे। क्योंकि वो साहब के पास था गाड़ी में, तो साहब थे शर्म के मारे कह नहीं इसका, जो अपने साथ से हरियाणा रख है गणी ज़्यादा था, वो दिया को नहीं, गाड़ी को नहीं कही इसने। फिर एक बार कही तो बोला 18 तारीख दौरे चला जाइए, 18 तारीख दौरे, फिर दोबारा कहे, फिर उन्हें बोला पहली 2 तारीख दौरे चला जाना, तो कोई बात नहीं है। जिस अफसर को दोहरा रहा उस तीन ज़्यादा दबाव भी ना दिया, ज़्यादा बात यह थी। हाँ, बताया वो कैसे हुआ? सही हादसा तो ये कि तो डा रहे थे, कोई वो दब रहा था, वो हाँ वो दब रहा था, उसके अंदर पैर आया, इसका बताऊँ मैं, उस पैर सारा यहाँ तक जा रहा, ख़त्म हो रहा है। घर में कौन कौन हो? यहाँ पर जी परिवार में उसकी मदर है, एक मैं हूँ और 2 बच्चे हैं, एक उसकी मिसिज है। स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो बिल्कुल ठीक था, 3 बच्चे मेरे, 3 बिल्कुल सही स्वभाव, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार का, है ना। हाँ, और बाकी एक वो बड्डे वाला भी सीआरपी में है, एक अभी आने लग रहा दिल्ली पहुँच लिया, कलकत्ता हल्दिया है ना रिफाइनरी की बड्डी, वहाँ पर जय आली उसके ऊपर है।
डिप्लोमा करके ने वही 8 साल वहीं रहे। सतपाल ही छोटा सा, इसके अंदर इसीलिए हमारा आए थे। वो बच्चे छोटे बच्चे हैं, एक 5-1 साल का लड़का है, एक 3-1 साल की लड़की है। छोटे बच्चे होने के कारण माँ बाप ने खुशी के अंदर रहना पड़ा। बोहर के लाल सतपाल की शहादत के बाद परिवार में गम भी है और गर्व भी है। एक तरफ जहां चीख पुकार मची है तो दूसरी ओर सतपाल को अंतिम विदाई देने की भी तैयारी की जा रही है। आज देर शाम तक शहीद का पार्थिव शरीर बोहर गांव में पहुंचने की बात कही जा रही है, जहां गांव में शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।